प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोली धन्यकार जी। आज का विशेष टॉपिक है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यारी सत्संगत जी, कितनी बड़ी कृपा हुई है सतगुरु की हम सबके ऊपर। सतगुरु जी ने अपने चरणों से लगाया, परमात्मा से मिलाया, ये बहुत बड़ी कृपा है। सारी दुनिया के मालिक इस निरंकार के साथ हमें जोड़ दिया। आज भी दुनिया में भगवान को जानने के लिए, भगवान से मिलने के लिए लोग भटक रहे हैं। कोई पहाड़ों पर जाकर धुनी रमा रहा है, कोई जंगलों में भटक रहा है। तो प्यारे सत्संगत जी, हम जरा सोचे विचारे, कितनी बड़ी कृपा दातार की हम पर हुई है, तो क्यों ना फिर हम हर पल शुक्राना करें। दातार ने हमें सब कुछ दिया, सुंदर सा शरीर दे दिया, हाथ पैर दिए, सुंदर सुंदर हाथ दिए सेवा करने के लिए, हमें पैर दिए हैं सत्संग में जाने के लिए, और सुंदर सुंदर आंखें दी हैं सुंदर नजारे देखने के लिए, एक सुंदर सोच दी है कि हम अच्छा सोचे, सबका भला सोचे, सुंदर जुबान दी है कि हम प्रभु का गुणगान करें। तो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हम परोपकार में लगाएं, सेवा नेकी परमार्थ के मार्ग पर चलें। तो हमें हर पल शुक्राना करना है, दातार का शुक्राना कि हे दातार, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। एक एक सांस दी है, हर एक सांस अनमोल है। अगर सांसों का मोल हमें समझना है, जानना है, तो हम ऐसे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं और किसी मरीज को देखें जो ऑक्सीजन के लिए वहां पर पे करते हैं, चार्ज देते हैं। अस्पतालों में ऐसे बहुत से मरीज मिल जाएंगे जो वेंटिलेटर पे हैं, उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है और लाखों रुपए उसका चार्ज होता है, बिल देना पड़ता है अस्पतालों में। तो जहां पर अस्पताल में एक मरीज एक सांस के लिए तरसता है, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है और उसके बदले में वो पैसे देता है, लेकिन हमें तो हर सांस मुफ्त में ये निराकार दे रहा है, एक एक सांस मुफ्त में। जरा हम सोचे कि अगर एक सांस रुक जाए तो क्या होगा। सांसों का चलना ही तो जीवन है। तो दातार हमें हर पल अनमोल सांसें दे रहे हैं और हमें चला रहे हैं, हमें खुशियां दे रहे हैं, मुस्कान दे रहे हैं। तो हमने हर पल शुक्राना करना है। और हम वो गीत भी जब गाते हैं कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, कि शुक्राने के भाव में ही भक्त हमेशा रहते हैं कि मैं तेरा शुक्र करा मेरे दात्या, कि मैं तेरा शुक्र करूं, जितना भी शुक्र करूं उतना ही कम है। अगर हमें जीवन में सुखी होना है तो सुखी होने का रास्ता केवल है शुक्राना, 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 हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। तो भक्त जन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, हमेशा इस दाता निरंकार का शुक्राना करते हैं, शुक्राने के भाव में ही रहते हैं। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। तो यही बात हमें समझाई जाती है कि हमने शुक्राना करना है कि दातार आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम आपका पल पल शुक्राना करते हैं। और जो शुक्राने के भाव में रहते हैं, हर हाल में, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में दातार का शुक्राना करते हैं, तो वो सदा खुशहाल रहते हैं, दातार की मेहर उन पर बनी रहती है, कृपा बरसती ही रहती है। तो आओ प्यारे सत्संगत जी, हम हर घड़ी हर हाल में हर पल दातार का शुक्राना करें, शुक्राने में हर पल को बिताएं, और यही अरदास से ही प्रार्थना करें कि दातार इस शुक्राने का भाव जो आपने दिया है ये हमेशा बना रहे और हम आपका शुक्र शुक्र करते चले जाएं। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए।